अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। छोटा पटाखा बड़ा धमाका, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इस छोटे रेफ्रिजरेटर के सिलेंडर का इस्तेमाल करके एक इतना ज़बरदस्त गीज़र बनाने जा रहा हूं जो बड़े गीज़रों को भी पीछे छोड़ देगा। बड़े गीज़र वाली सारी टेक्नोलॉजी मैंने इस छोटे से सिलेंडर के अंदर लगानी है। बड़े गीज़र तो बिजली की तबाही निकालते हैं यकीन जाने, लेकिन ये एनर्जी सेव होगा दोस्तों। इसको आप डायरेक्ट टैंकी के साथ लगा सकेंगे, जिस तरह आम गीज़र को आप गाते हैं डायरेक्टली टैंकी के साथ, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। देखने में तो आपको ये छोटा लग रहा है, लेकिन आगे वीडियो में चलकर आपको मैं बताता हूं कि काम कितना जबरदस्त करेगा। बड़े गीजर को इसने पीछे ना छोड़ा तो फिर बताना दोस्तों। तो आपका टाइम उजाया होने से बचाते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ आपको एक और बात बताता चलूं, ये R410 गैस वाला सिलेंडर है, ये आप देख सकते हैं। आपने भी R410 गैस वाला सिलेंडर इस्तेमाल करना है या R32 गैस वाला सिलेंडर इस्तेमाल करना है, इन दोनों गैसेस का जो सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे आप, तो ये बहुत ही मोटी गेज का सिलेंडर होता है। ये इसका वजन भी ज्यादा होता है, ये अच्छी क्वालिटी का सिलेंडर होता है, क्योंकि दोनों हाई प्रेशर गैसेस है। ये सिलेंडर इनके लिए स्पेशल बनाया जाता है। तो आपका टाइम जाया होने से बचाते हैं और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने क्या करना है, ये जो हैंडल आपको नजर आ रहा है, इस हैंडल को हमने यहां से रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए मैं ये तरीका इस्तेमाल करने वाला हूं। ये देखें, ये हैंडल हमारा उतर गया है। अभी इसको हमने साइड पे रखना है, इसको अभी इस्तेमाल करना है, ये भी हमें जरूरत पड़ेगा, फेंकना नहीं है इसको। अभी इसके बाद हम इस वाल को भी यहाँ से काट लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारा वाल भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। अभी ये देखें, ये मेरे पास एक एलिमेंट है और ये मेरे पास एलिमेंट की निपल है जिसके अंदर ये एलिमेंट लगता है। ये देखें, 2.25 इंच इसका साइज है। ये गीजर के साथ लगती है। जो लोग गीजर बनाते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। जिधर से ये राड मिलता है, ये आपको वहाँ से ये वाली निपल भी मिल जाएगी, नहीं तो सेंट्री वाली दुकान से भी आपको ये निपल मिल जाएगी। अभी हमने क्या करना है, एक बड़ा सुराख करना है जिसके अंदर हमारी ये वाली निपल यहाँ पर फिक्स आ जाए, क्योंकि इस निपल के अंदर ही हमारा एलिमेंट लगना है। ये देखें दोस्तों, हमारे तीनों होल ज़बरदस्त बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए हैं। अभी ये देखें, ये जो कॉलर वाली साइड है ना, जिसपे हल्का सा कॉलर है, इसको आपने सिलेंडर वाली साइड पर लगाना है। ये देखें अभी कितनी ज़बरदस्त आ गई है, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसके साथ फिक्स आई है। और ये देखें, मेरे पास ये जो GI का लंबा पाइप था, इसको मैंने काट लिया है। ये जो बड़ा पाइप है ना, इसको मैंने इस तरीके से इस होल में डाल देना है इस तरह। और जो छोटा है, छोटा पाइप है मेरे पास, ये देखें, इसको मैं इस तरीके से इस होल में रखता हूँ, ठीक है। ये लंबा पाइप वेल्ड करने से पहले आपने ध्यान रखना है, इसको आधा इंच यूँ ऊपर उठा के रखना है, ठीक है, ताकि नीचे इसकी लाइन ब्लॉक ना हो जाए। इन दोनों को मैं बराबर करके, हमारे साथ में पड़ोस में वेल्डिंग वाली दुकान है तो मैं उससे बिजली वाली वेल्डिंग करवा लेता हूँ। वैसे तो मेरे पास गैस वेल्डिंग भी है, लेकिन गैस वेल्डिंग इस जगह पर इतनी कामयाब नहीं है। अभी मैं चलता हूँ वेल्डिंग वाली दुकान पर और जल्दी से इसको वेल्ड करवा के वापस आता हूँ अपनी दुकान पर। ये देखें दोस्तों, अभी इसकी अच्छे तरीके से वेल्डिंग हो गई है। अभी इसके बाद अगला काम क्या करना है, इसके अंदर मैंने पेंट करना है, ठीक है। पेंट करने के लिए देखें दोस्तों, मेरे पास रेड कलर का कलर है, ये पड़ा हुआ है, आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पेट्रोल डाल के इसको मिक्स कर दिया है। अभी मैंने क्या करना है, इस कलर को मैं इसके अंदर डाल के इस सिलेंडर को ऐसे ऐसे घुमाऊँगा जिससे हमारा रंग सिलेंडर के अंदर चारों तरफ लग जाएगा। अभी मैं जल्दी से रंग कर देता हूँ इसको अंदर से, ये सारा कलर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास ये रेड पड़ा हुआ था, मैं इसको रेड इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि नज़र तो आना नहीं है इसमें, ये अंदर वाली साइड है, कोई भी चल जाएगा। ये देखें दोस्तों, अभी अंदर से ज़बरदस्त इसका कलर हो चुका है। अभी रात का वक्त हो गया है, इसको मैं रात के लिए छोड़ देता हूँ, अभी बाकी वीडियो सुबह आके रिकॉर्ड करता हूँ मैं इसकी। इसके बाद दोस्तों, मेरे पास ये एक प्लास्टिक की बर्मी है, ये आपको 20-30 रुपए की मिल जाएगी। अभी हमने क्या करना है, यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें दोस्तों, इस बर्मी की कटिंग हो गई है। अभी इसके बाद मेरे पास ये चादर का पीस था, उससे मैंने ये एल टाइप की पत्तियाँ बना ली हैं और यहाँ पर दोनों का एक एक सुराख कर दिए। अभी क्या करना है, इन दोनों एल टाइप पत्रियों को, एक पत्री को मैंने यहाँ पर लगा देना है, एक पत्री को यहाँ पर लगा देना है। अभी जल्दी से मैं इन दोनों की वेल्डिंग कर लेता हूँ ताकि सही फिक्स मजबूत आ जाए। ये देखें दोस्तों, दोनों पत्रियों को हमने यहाँ पर वेल्ड कर दिया है। अभी इसके साथ ही इसके पीछे मैंने इसको एंग करने के लिए एक हैंडल भी वेल्ड कर दिया है, जिसकी मदद से इसको हम दीवार के साथ इस तरह से एंग कर पाएंगे। अभी इसके बाद दोस्तों, ये जितनी भी हमने वेल्डिंग की है, जिस जिस जगह पर भी, यहाँ पर भी हमने जो वेल्डिंग की है, इन सारों के ऊपर हम पेंट कर देंगे अच्छी तरीके से। कलर करना है इसको, कोई भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ये वाइट कलर का स्प्रे पेंट पड़ा हुआ है, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। कलर कोई भी इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि इसने नज़र नहीं आना, ये बाद में कवर हो जाएगा।
ये देखे दोस्तों, हमने वेल्डिंग वाली जगह पे पेंट कर दिया अच्छे तरीके से। इसके बाद है हमारे पास जम बलोन शीट। इस शीट को हमने इसके ऊपर लगा देना है, लेकिन ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है ग्लास वूल, अगर आप ये लगाएं वो भी अच्छा काम करेगी। मेरे पास पूरा रोल होता है, वैसे वो ख़त्म हुआ है, ऑर्डर किया हुआ है, वो भी कुछ दिनों तक आ जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं इस जम बलोन शीट को लगा देता हूँ, ये भी अच्छी तरीके से काम करती है। जल्दी से इसकी कटिंग करके पहले सबसे पहले मैं इधर ऊपर वाली साइड पर लगाता हूँ, उसके बाद नीचे वाली साइड पर लगाऊँगा, और उसके बाद फिर आखिर में ये बायर वाली साइड है जो गोल शेप है इसके ऊपर लगाऊँगा। अब ये देखें, इस साइड पे हमारी जम बलोन शीट गुलाई में कटिंग करके हमने इस साइड पे रख दी है, बिल्कुल फिक्स बराबर बराबर आई है। अभी दूसरी साइड के लिए भी हमने ये एक पीस काट लिया है। अभी क्या करना है, यहाँ पर इसको हमारे पास ये एक स्कॉच टेप है, इसको लगा के हमने यहाँ इस तरह प्रेस करना है और दूसरे पीस को भी सही फिक्स लगाना है। ये देखें, यहाँ पर मैंने स्कॉच टेप लगा दी है दोनों कार्नर पर, ये बहुत ही मजबूती के साथ फिक्स आ गए, अभी उतर नहीं रही है। देखें, अभी जल्दी से लगाते हैं यहाँ पर। चलो जी, ये देखें दोस्तों, हमारे गीजर के ऊपर जम बलोन शीट लग गई है अच्छे तरीके से, ये देख सकते हैं आप। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एलिमेंट को फिक्स करना है। एलिमेंट फिक्स करने के लिए सबसे पहले इस थर्मोस्टेट को एलिमेंट से अलग कर लेते हैं, और उसके बाद ये देखें, इसमें जैन लाजमी रखना है। जैन लगाना आपने नहीं बोलना, अगर जैन नहीं लगाएंगे तो फिर पानी लीक करेगा। अभी क्या करना है, यहाँ पर एलिमेंट को रख के सिंपली हम इसको यहाँ पर टाइट कर देते हैं, अच्छे तरीके से टाइट करते हैं। अभी ये देखें, हमारा एलिमेंट बहुत ही मजबूती से यहाँ पर टाइट हो गया है। अभी क्या करना है, ये हमारी जो बर्मी थी, इन दो पत्रियों के लिए हमने एक ही साइड पे सुराख करना है, एक ही साइड पे सुराख करना है, और एक इंडिकेटर लाइट का एक सुराख करना है, और एक इसकी मेन वायर लगानी है इलेक्ट्रिकल की, इसमें से गुजारनी है, उसका भी एक सुराख कर लेना है। जल्दी से मैं इनके सुराख करता हूँ। अभी ये देखें दोस्तों, सारे सुराख मैंने इसमें से कर दिए। अभी यहाँ पर एक इंडिकेटर लाइट भी लगा दी है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की मेन सप्लाई के लिए एक वायर भी मैंने इस होल में से गुजार ली है। अभी हमने क्या करना है, ये जो थर्मोस्टेट है, इस जगह पे ये दो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, जो मेन बड़े दो पॉइंट है, यहाँ पर हम मेन सप्लाई देंगे, और ये जो दो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं ना ये वाले, यहाँ पर हम इंडिकेटर लाइट के कनेक्शन देंगे। जल्दी से यहाँ पर हम कनेक्शन करते हैं। अभी ये देखिए दोस्तों, मेन सप्लाई का कनेक्शन मैंने एक इस पॉइंट पर दे दिया है, एक इस पॉइंट पर, और ये जो दो इंडिकेटर की लाइट थी इनको मैंने इन दोनों पॉइंट पर लगा दिया है। अभी हमने क्या करना है, इस थर्मोस्टेट को इसके अंदर फिक्स कर देना है। ये देखें, इस तरीके से फिक्स करने के बाद हम इस बर्मी को यहाँ पर अच्छे तरीके से टाइट करके लगा देते हैं। अभी ये बर्मी के दोनों स्क्रू मैंने लगा दिए हैं, और अभी बर्मी के इस ढकने को मैं इसके ऊपर टाइट कर देता हूँ। अभी गीजर हमारा बिल्कुल रेडी है। अभी हमने नॉन रिटर्न वाल लगाना है इसके आगे और कनेक्शन करना है, और माशाल्लाह ये देखें दोस्तों, हमारा गीजर बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी मैं इसका आपको ऑटोमेटिक फंक्शन समझा देता हूँ। ऑटोमेटिक फंक्शन ये है कि इस ढकने को आपने खोल लेना है, यहाँ नीचे इसका थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ये जो रेड वाला बटन आपको नज़र आ रहा है, इससे आप इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से टेम्परेचर सेट करें और इस ढकने को वापस लगा दें, को भी शॉक लगने का कोई खतरा नहीं है। और ये एनर्जी सेव इस वजह से है क्योंकि जो बड़े गीजर होते हैं, बड़े टैंक होते हैं, उनके अंदर वो पानी को 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी पहुंचाते 20-25 मिनट लगा लेते हैं, लेकिन ये 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी को लाने के लिए सिर्फ 5 से 6 मिनट का वक्त लेगा, और आपका यहाँ से गर्म पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी सिर्फ हमने गीजर को यहाँ पर कनेक्शन देने हैं पानी के, और दीवार के साथ एंग करने के लिए यहाँ पर मैंने एक इसका हैंडल लगा दिया है। ये मेरी वर्कशॉप है, यहाँ पर पानी की टैंकी की सहूलत मुयसर नहीं है, नहीं तो मैं आपको लगा कर इसको चेक कराता। ये अभी मैं इसको घर जाकर लगाऊँगा और 100% काम करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी याद की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।